Hi, my beautiful friends. This is Dolly Jain, and today I'm going to share how to drape an organza sari. बहुत बार मैंने आपको बताया है organza sari के different styles draping के, और हर बार मैं कोशिश करती हूँ आपको कुछ नया बताऊँ, कोई नया टिप दूँ. तो इस तरह की साड़ी जब आपके पास हो जिसपे आपका इधर एम्ब्रॉयड्री हो और इधर एम्ब्रॉयड्री हो और बीच में कुछ भी नहीं हो, तो नॉर्मली हम इसे ऐसे कैरी करेंगे. दिस इज़ फाइन, बट बहुत टाइम के बाद आपको लगता है कि आप प्लीट करना चाहते हैं, या आप शुरू से ही उसे प्लीट करके पहनना चाहते हैं. सो देर इज़ अ डिफरेंट वे टू ड्रेप इट, देर इज़ अ डिफरेंट स्टाइल टू वेयर इट, एंड दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो. I have just done my basic tuck. मैंने अपने basic tuck को किया है, और tuck करते वक्त मुझे दिखा कि oh God, इस साड़ी में तो fall ही नहीं है. अब आपने मुझसे पूछा कि साड़ी में fall लगाना क्यों ज़रूरी होता है. It is so important. एक तो आपकी साड़ी को गंदे होने से बच जाते हैं आप, क्योंकि आपका fall गंदा होता है जिसको आप वापस से निकाल के लगवा सकते हैं. अब आप देखिए, अगर इस तरह का सिचुएशन हो जहाँ पे आपका पेटीकोट छोटा हो और साड़ी ऐसे हो और फॉल नहीं लगा हो, तो बीच में अगर आप हील पहनेंगे तो ये आपकी कैप दिखती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है. अनटिल एंड अनलेस आप एक डीकोट पे पहन रहे हो, क्योंकि डीकोट ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आप विथ हील्स और विदाउट हील्स पहन सकते हैं. तो आज मैं डीकोट नहीं पहन रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या प्रॉब्लम होता है जब आप डीकोट नहीं पहनते. ऐसा नहीं है कि डीकोट क्योंकि मैंने बनाया है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बट जेन्युइनली मैं आपको बताती हूँ, ये एक न्यू जनरेशन का ऐसा एक चीज़ है जो आपके साड़ी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है. सो यहाँ से मैंने बेसिक टक किया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या करते हैं. इसको आप यहाँ से लेंगे और यहाँ पर टक करेंगे. ये आपका शोल्डर प्लीट पल्ला है, आप बस देख लोगे कि कितना लंबा रखना है, तो दिस लेंथ इज़ फाइन. इसको आप यहाँ डालेंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग योर लोअर प्लीट्स. पहली पटली को चेक करते हुए कि वो एकदम स्ट्रेट गिरे, अब बाकी के प्लीट्स उसी हिसाब से मेजर करके बनाओगे. ये बन गई आपकी प्लीट्स, एंड इसके बाद आप इसको इवनली एक साथ अलाइन करके और आप टक करोगे. सो सारे प्लीट्स को मैंने अलाइन कर दिया है, एक पिन लगाया है. मैं नॉर्मली पिन नहीं लगाती हूँ, बट क्योंकि ऑर्गेन्जा कभी फिसलता है और हाथ से गिरने का रिस्क रहता है, तो इट इज़ गुड टू बी सेफ, और आप यहाँ पे एक पिन लगा लो. इसको ऐसे आप फिर टाइट पुल करोगे एंड देन यू विल टक दिस पार्ट. ओके, सारी सारी की प्लीट्स, अच्छे क्वालिटी का ऑर्गेन्जा का बात ही कुछ और है. ये देखिए प्लीट्स इतनी सुंदर गिर गई, एंड देन यू विल जस्ट टक द होल थिंग इनसाइड. अब खुला पल्ला लेना है, इसको आप यहां शोल्डर पे एक पिन लगाए एंड यू विल जस्ट एडजस्ट दिस, टेक दिस प्लीट्स इन योर आर्म्स लाइक दिस एंड लुक एट दिस, यू आर गुड टू गो. बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद इसको ऐसे नहीं पहनूंगी, मैं चाहूंगी तो इसको मैं ऐसे लेना चाहूंगी. गॉट इट? अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको और इसको एक साथ प्लीट बना के पहनते हैं, जिसके कारण जो शेप आता है वो उतना प्लीजिंग नहीं लगता है. तो नाउ आई विल टेल यू द करेक्ट वे टू डू इट इज, सबसे पहले आप इसको लेंगे और एक पिन आप शोल्डर में इसको फिक्स करेंगे पहले. सो शोल्डर पे मैंने एक पिन लगा लिया है और ये ऐसे है, मतलब बहुत सारे लोग शायद इसका ये जो सी थ्रू चीज़ है ना उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट स्टिल ये इतनी सुंदर साड़ी है, उनको पहनने का मन है तो वो कैसे पहनेंगे. तो इसको आप लेंगे और इसको आप ऐसे प्लीट बना के नहीं डालेंगे. देखिए आप ऐसे प्लीट बना के डालते तो ये उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है. सो आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज़ आप इसको ऐसे लेंगे और इसको बॉर्डर टू बॉर्डर मेजर करके यू विल जस्ट टेक दिस and throw this on your shoulders, and then you can just pull this down and let this be there. It just looks beautiful, and also
उन लोगों के लिए जो जिनके पेट थोड़ा सा अगर वो मोटे हैं यहाँ से और वो कॉन्शियस हो रहे हैं कि ऑर्गेंजा है या नेट की साड़ी है और पेट दिख रहा है, तो आई थिंक दिस कवर्स योर स्टमक ऑल्सो एंड लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो आई होप यू ऑल लाइक दिस ट्रिप एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस यू नो ट्रिक दैट आई हैव शेयर्ड. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू क्लिक अ पिक्चर एंड यू आर कॉन्शियस अबाउट योर आर्म्स, आप ऐसे खड़े हो सकते हैं, आर्म्स भी छुप जाता है और अगर आपका पेट थोड़ा सा भी मोटा है तो वो भी छुप जाता है. सो मैं भी बहुत कॉन्शियस रहती हूँ तो मैं इस तरह से नहीं खड़े होकर ऐसे पिक्चर्स क्लिक कर रखती हूँ. सो आई रियली लाइक शेयरिंग. हर बार एक नए वीडियो में मुझे ऐसा लगता है मैं आपको कुछ नया दूँ, कुछ नया शेयर करूँ. और आप सबके जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं वो तो मेरा दिन बना देते हैं. सो प्लीज़ कीप राइटिंग, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो मैं जेन्युइनली एक एक कमेंट को बहुत सीरियसली पढ़ती हूँ. और जब आप मुझसे शेयर करते हैं कि आपको इसमें प्रॉब्लम है और कोई और ट्रिप में प्रॉब्लम है तो मैं उसके सॉल्यूशन ढूंढती हूँ. सो आई होप यू ऑल एंजॉय माय ट्रिप्स. आई लव यू ऑल. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. जय हिंद.